देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व लोकसभा चुनाव 2024, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, किसके सर होगा देश का ताज, ये जानने के लिए मैं पहुंचा हूं आंवला लोकसभा में। आंवला लोकसभा की बात करें तो यहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं धर्मेंद्र कश्यप और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है नीरज मौर्य। इस बार ये लोग वोट करेंगे 7 मई को, और वोट की चोट किस ओर करेंगे ये जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ के लोगों से बात करते हैं। इस बार क्या चुनाव है, क्या मुद्दे, क्या नाम है आपका? इस बार कोई चुनाव ही नहीं, एक तरफा चुनाव है। नीरज मौर्य एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। मेरा नाम बबलू ठाकुर है। हमारा समाज क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज, लोधी समाज, गुर्जर समाज, समझ रहे हो, मौर्य समाज, यादव समाज, मुस्लिम समाज, कोई वोट भाजपा के प्रत्याशी को इस बार नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने 10 साल में कोई एक काम कराओ तो आप बता दें। और राम मंदिर बनवाया है, इतना बड़ा ऐतिहासिक काम किया है, वो सरकार ने बनवाया। हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं। प्रत्याशी का काम है फर्जी मुकदमा लिखवा के ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को जेल में डलवाना। अभी आप गैनी का मामला देख लो, मां कश्यप लोगों से झगड़ा हुआ, सांसद जी ने ठाकुरों को जेल भिजवाया। चौबारी में एक 70 साल के बुजुर्ग थे हमारे वीडियो साहब, उनको गालियाँ दी भरे मंच से। पपत्रा का कांड आपको पता है, वहाँ भी ठाकुरों को जेल भिजवाया, मरवाया, जेल भिजवाया। कैसी बात कर रहे हैं ठाकुर, ठाकुरों की सरकार है, पंडितों की सरकार है और आप बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ प्रत्याशी की चल रही है सांसद धर्मेंद्र कश्यप की। हमारे समाज से कोई मतलब, हम लोग कोई गुंडाई तो नहीं करते, उनका समाज सिर्फ गुंडाई करता है। पूरे लोकसभा में पता कर लो, जहाँ जहाँ कश्यप हैं उन्हें गुंडाई के अलावा और कोई काम नहीं, समझ रहे हो भैया? ये तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजबी बेग है। रजबी भाई, क्या चल रहा है, क्या लग रहा है इस बार, किसका माहौल है, कौन जीतेगा? इस बार तीसरी बार धर्मेंद्र कश्यप सांसद बनने जा रहे हैं, केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री पुनः नरेंद्र मोदी हैट्रिक बनाने जा रहे हैं। क्योंकि इसलिए कि पूरे देश में जितना भी काम हुआ है गरीबों के लिए, मजलूम मजदूर मजलूमों को, दबे कुचलों की सरकार है, सैकड़ों विकास, सैकड़ों योजनाएं गरीबों मजदूरों, पहले क्या होता था दूसरी सरकारों में, एक काम बता दें आंवला लोकसभा में इनके सांसद जी ने कराओ, हम बता रहे हैं 10 साल में कोई एक काम कराओ आप बता दें। दूसरी सरकारों में ये होता था, अपहरण होता था दिन दोपहर, लूट होती थी, लूट होती थी। हमारी हमारी सरकार में बेखौफ होके बेखौफ होके लोग जो हैं वो, आप देखिए महिलाएं शाम होते वो काम की बात कर, काम काम, 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 काम ऐसा कौन सा गांव है, ऐसा कौन सा गांव है जिसमें रोड नहीं डलवाए सांसद जी ने, ऐसा कौन सा, ढकनी का देख लो, अरे सारे रोड, भुता रोड देख लीजिए आप, भुता रोड में विधायक जी की ससुराल है, यहाँ की जी की नहीं, विधायक जी की क्यों, अरे इसीलिए काम कर, परेड़े में ससुराल है विधायक जी की, और साइकिल वही विकास कर रहे हैं जहाँ उनके समाज के लोग रह रहे हैं, बस ये हर गांव, बाकी हर गांव में होगा वहाँ कुछ, हर गांव में काम हो रहा वहाँ बिना भेदभाव के ऐसी, अरे हम मुस्लिमों को बता रहे हैं, हम मुस्लिम यार ये बात तो सही कह रहे हैं, राशन तो सबको मिल रहा है, राशन सांसद जी अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं, आयुष्मान किसको मिला, सांसद जी अपनी जेब से आयुष्मान दे रहे हैं, आयुष्मान किसको मिला, सांसद जी दे रहे हैं, सरकार है सांसद जी, सरकार क्या, मैं सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूँ, आज सांसद जी का विरोध कर रहा हूँ, सांसद जी, सांसद जी, अरे सरकार में है तभी तो, हमने सावनपुर गांव गोद लिया था, क्या हुआ वहाँ पे, केंद्र में सरकार बनी, अब केंद्र में सरकार बनी, सरकार कोई काम करती है, अरे सरकार नहीं सांसद जी के काम गिनवाइए, मैं रिजवी बेग जी आप सांसद जी के काम गिनवाइए, सरकार कहीं और से आती है, सांसद सांसद किसकी है, सरकार के सांसद है, सरकार के काम करो, मोदी के नाम पे अब की वोट नहीं मिलेगा, जनता समझ चुकी है, जनता समझ चुकी है भाई साहब, यहाँ आंवला लोकसभा का क्षत्रिय ब्राह्मण मैथिल लोधे राजपूत ये सब कई सभाएं जो हैं कश्यप लोगों ने हमारी करवाई, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं नीरज मौर्य जी की, उनकी वो अभी तक नाराज हैं कि हमारे गांव में ईंट नहीं लगी है। बरुआ भोजपुर है यहाँ पे पड़ता है भोता में, वहाँ कश्यप लोगों ने मीटिंग लगवाई नीरज मौर्य जी की, अब कहा हमारे गांव में एक ईंट नहीं लगी है। तो वो एक यादव जी है जलालाबाद के, वो आए हैं, वो भाजपा का प्रचार क्यों कर रहे हैं, लूट करने को नहीं मिली, लूट करने को नहीं मिली, नीरज मौर्य ने लूट नहीं कर पाई, यादवों भी लिखवा है, मुसलमानों भी लिखवा है, नीरज मौर्य में इतनी ताकत है सपा प्रत्याशी में कि उसने मंत्री जो हैं गली गली घुमा दिए हैं,
नहीं मंत्री तो देखिए प्रोग्राम लगेगा तो वो आएंगे। अरे मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री, हमारा सौभाग्य है कि बेचारा हमारे पहले प्रधानमंत्री ढूंढे नहीं मिलते थे, पहले डर नहीं है, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जनता के बीच आके हमारी समस्याएं भी सुन रहे हैं, हमसे मिल रहा है। पहले प्रधानमंत्री ढूंढे नहीं मिलते थे, बस एक बार प्रधानमंत्री बन गए, एक दो नहीं होता था। पिछले प्रधानमंत्री चुप रहते थे, मनमोहन सिंह बोलते ही नहीं थे, वो सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे भारत के। आप बाहर जाके देख लीजिए, आप मैनिफेस्टो की बात करते हैं, कोई जानता था? कोई जानता था? सोनिया गांधी की कठपुतली थे, जिधर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री उधर ही घुमाती थी। भैया सोनिया हम प्रधानमंत्री के बारे में कोई शब्द नहीं, हम सिर्फ प्रत्याशी का विरोध है। दो बार प्रधान हम लोग, क्या नाम है आपका? सपा के सरकार। नाम क्या है? नाम हमारा कदीर खान है। कदीर खान है। सपा की सरकार में अगर जाते थे थाने में तो नेता लोग पहुंच जाते थे, हुआ काम कराना मुश्किल पड़ जाता था। आज मोदी जी की सरकार में हम जब जाते हैं तो खाली FIR लिखाने की जरूरत होती है, मेरा काम हो जाता है। डर नहीं है भाई, डर नहीं है, डर बोल रहा क्योंकि सांसद जी इनके खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखवा देंगे। सांसद जी ने ये दो चार लोग तैयार मुस्लिम भाई कर दिए हैं कि तुम खिलाफ बोलो सपा के। एक गलत, मैं विरोध करता हूँ, कोई मुस्लिम को खड़ा नहीं किया गया है, अपनी मर्जी से आए, ये गलत है, ये गलत है। एक ही बात है, केवल एक ही बात है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। सांसद जी ने जेल भिजवा देंगे क्योंकि मुस्लिम इस समय बहुत डरा हुआ है, मुस्लिम बहुत डरा हुआ है, कल ये जेल भिजवा देंगे, समझ रहे हो? ये बताएंगे भैया कहाँ से है, क्या नाम है आपका? नाम आप पूछिए, नाम तो चर्चित हो जाएगा। नाम बताओ ना, विधानसभा 122। नाम बताइए। हेमेंद्र सिंह। हेमेंद्र सिंह, हाँ जी। कहाँ से? लोकसभा कौन सी है आप? लोकसभा 122 आंवला 24 विधानसभा फैजपुर है। मैं आपको बता रहा हूँ, आयुष्मान कार्ड जी, आयुष्मान कार्ड 24 घंटे के बाद जारी हुआ। अच्छा, ठीक है। मेरा पेशेंट था राममूर्ति स्मारक में, तो आयुष्मान कार्ड देखा मैंने, कैसा लगता है, क्या होता है। दूसरा, अगर माननीय सांसद धर्मेंद्र कश्यप जी कहीं मिल जाए तो कहना कि न्याय पंचायत रजू में पहुँच जाए एक बार को। सर रजू में तो अभी सभा हुई है। अरे अभी हुई है, अभी 4-6 दिन पहले सभा हुई है। भाई साहब विधायक जी गए, मंत्री जी गए, सब कोई गया था। साले हो गई है, आज तक ना धर्मेंद्र आए ना विधायक जी आए, आए तो हमारे सामने बुलवाओ, बुलवाएंगे। सांसद जी पूरी विधानसभा में आज भी प्रोग्राम लगे हुए हैं। अरे अब तो चुनाव चल रहा है, अब तो आएंगे ही आएंगे। पिछले 10 साल की बात कर रहे हैं जनता, 5 साल क्षेत्र में रह के जनता की समस्याएं सुनते, जनता के बीच में रहते हैं। झगड़ा कराया, मैं तरह की बताता हूँ आपके साल में। आपके सांसद जी, एक बार हमने अपने बटाईदार को भेजा था, हमने कहा ये लाइट की समस्या है, 11,000 के तार नीचे लटक गए, आप जाकर के सांसद जी और माननीय विधायक जी को बताइए। तो हमारे जो बटाईदार है धर्मवीर, वो पहुंचे, उन्होंने कहा मैं साहब दीपपुर तरा गोपालपुर ग्राम पंचायत से आया हूं। तो सांसद जी के बोल ये थे कि ये दीपपुर तरा पड़ता कहाँ है। आज चुनाव आया तो विधायक जी और सांसद जी दौड़ करके पहुंच गए, उससे पहले उन्हें गांव नहीं मालूम था। है आप कैसी लोकसभा लड़ते हैं? आप लोकसभा के जनप्रतिनिधि हैं, आपको अपने गाँव नहीं मालूम, आपके आपके जनता को नहीं मालूम, आप कैसे जनप्रतिनिधि हैं? आप 10 साल दिल्ली में बैठे रहेंगे? जनता दर्शन करते हैं सांसद जी रोज सुबह को, जनता दर्शन कौन सा दरबार लगता है? आप भर जाइए, चलो, कोई दरबार नहीं लगता जनता। सांसद जी को ये तक मालूम है कि हमारे कार्यकर्ता का मकान कहाँ पे है, खेत मकान पता है, लेकिन जनता को मालूम है। भैया अभी अभी सभा हुई थी, अभी हमारे फरीदपुर में माननीय योगी जी आए थे, उन्होंने हमारे सम्मानित क्षत्रिय समाज के सम्मानित MLC कुंवर महाराज सिंह जी का नाम नहीं लिया मंच से। MLC एक सम्मानित प्रत्याशी है, वहाँ उनका नाम नहीं लिया गया। हम लोग गड़ी बिछाने की राजनीति मंच से संचालन करने वाले की हो सकता कोई भूल हो गई हो। कैसे भूल हो गई हो? MLC के नाम की भूल हो जाएगी मंच से। ठाकुर विरोधी बैठे थे वहाँ भाई साहब, ठाकुर थे इसलिए नाम नहीं लिया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो MLC भारतीय जनता पार्टी से। मैं और सुनो, पूरा परिवार उनका, उनके पूर्वज जब से जनसंघ से लेके आज तक भाजपा में ही है, कहीं दूसरा दल नहीं बदला उन्होंने। मैं तो नाम क्यों नहीं लिया? नाम नहीं लिया, राजनीति करते हैं, आपका नाम नहीं लिया। हमारा नाम है मोरपाल, ठीक। हमारे कौन महाराज सिंह तावजी हैं, ठीक है। उन्हीं की वजह से धर्मेंद्र सांसद जी को वोट मिलते हैं, और उन्हीं की
जब अभय योगी जी आए थे तो अभी उनका ताऊ जी का अभी नाम नहीं लिया था, ठीक है। ले यार भाजपा के प्रत्याशी उन्हीं की वजह से वोट लिया और उन्हीं का नाम नहीं लिया भरे मंच से, क्या बात। ऐसा कुछ नहीं है, नाम भी लिया। चुनाव 27 का आपके विधायक जी भी हारेंगे, जो 2500 से जीतने, अरे कहीं नहीं हार, कहीं नहीं हार रहा है, कहीं नहीं हार रहा है। दिन में सपने देख रहा है साहब, दिन में सपने देख रहा है। 27 में भी सरकार बनेगी, क्षत्रिय फिर से विधायक बनेंगे, फिर से विधायक बनेंगे। जब ये चुनाव चल रहा था, जब विधायक जी को पता लगा कि हम चुनाव हार रहे हैं, तब आदरणीय कुमार सर्वराज सिंह जी के बेटे सिद्धराज सिंह की लास्ट दिन मीटिंग लगवाई, उसी से चुनाव जीते थे। अब की वो भी देख लेना। लो भैया इस काम बोलता, कभी सदन में मिलते नहीं थे विधायक। हमारे विधायक तो सुनो, हमारे विधायक ने इतने काम किए हैं। 27 की बात रही, 27 में विधायक की नहीं सांसद की बात करो। अभी सांसद जी, अभी साहब एक ने साहब कह रहे हैं कि अभी एक लोकसभा चुनाव है, सांसद जी की बात करो। कभी रोडवेज था, कभी कॉलेज था, कभी दसियों ऐसे रोड थे जो एक मिनट आयुष्मान था। एक मिनट भैया जी, अभी ये कह रहे हैं, एक मिनट भाई साहब रिजवी जी अभी कह रहे थे कि कॉलेज, इनसे से पूछो हावड़ा लोकसभा में कौन सा कॉलेज बनवा दिया सांसद जी ने आपके, एक कॉलेज बताओ कौन सा बनवाया। सरकार ने बनवाया, क्या दिक्कत है? इनसे पूछो कौन सा कॉलेज बनवाया। बेटारा गांव के लोग दलदल में फंसे हुए हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं। अभी हम वोट मांगने गए थे, उन्होंने बताया अरे भाई सांसद, सांसद जी ने कोई काम ही नहीं करवाया, बताइए। सांसद जी ने मुकदमे नहीं लिखवाए, सांसद जी ने दलाली नहीं करी, सांसद जी की क्या कोई दलाली, सांसद जी की क्या कोई दलाली। भैया 50 करोड़ की कोठी वैसे ही बन गई, 100 बीघा जमीन वैसे ही ले ली, लिफ्ट लगी है किसी नेता में, नेता की कोठी में बरेली में लिफ्ट नहीं लगी, सांसद जी की कोठी में लिफ्ट लगी। जी दो दो प्लाई फैक्ट्री बनाए बैठे हैं, जनता का घूस नहीं खाया, कहाँ से बनाई दो दो प्लाई फैक्ट्री भैया। ये तो कारोबार करना कोई गुनाह है? कारोबार करना कोई गुनाह है? एक आदमी ठेला लगाने वाला दुकान रख सकता है? कारोबार करना क्या है? वो जमींदार परिवार से ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन उनके जयपुर में 2 होटल हैं, 50 करोड़ की कोठी अभी बनवाई है, 2 प्लाई फैक्ट्री है फरीदपुर में। साक्षात को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है, आप मेरे साथ चलिए रजू। सांसद जी अपना साथ अपना विकास, अपना पेट अपना साथ। एक मिनट यहाँ से रजू जाएंगे तो नीलकंठ हाथ में पड़ेगा हाईवे पर, उससे लेफ्ट कीजिएगा, गारंटी लेता हूँ 4 किलोमीटर की, अगर आपकी गाड़ी में सारा तीसरा गरीब लग जाए, चाहे बाइक हो चाहे फोर व्हीलर हो। आप चलिए आपको दिखाता हूँ, आपके साक्षात प्रमाण को आवश्यकता नहीं होती है। कोई विकास नहीं किया, एमएलसी साहब का नाम नहीं लिया, यदि आपको लग रहा है ये मैं ठाकुरों का विरोध कर रहे हैं, मैं इसका कैसे जीतेंगे चुनाव? सुनिए, एमएलसी साहब हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं, उनका नाम नहीं लिया, जो पोजीशन उनकी है वो आज तक किसी की नहीं है, बहुत ही सम्मानित हमारे समाज के हैं, लोकप्रिय नेता हैं। हो सकता है कहीं पे मिस्टेक हो गई हो, मैं उसका विरोध करता हूँ, मैं विरोध करता हूं, जिनने नाम दिए उनका विरोध करता हूं। तो जीतेंगे कैसे? नहीं जीतेंगे, ये जीतेंगे तो जीतेंगे, जो भारत को आगे बढ़ाता है, हमारी तो एक ही वो है, विकसित भारत। विकसित भारत ये कह रहे हैं मोदी जी के नाम पे जीतेंगे? मोदी जी के नाम पे नहीं जीतेंगे। देखिए जनता का प्रतिनिधि जब जनता के साथ नहीं रहेगा तो जनता उसे नकारेगी, ये 100% तय है। सीधी सी बात है, हम लोग इस बार भैया वोट नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग, लेकिन मोदी जी ने तो इतना बड़ा राम मंदिर बनवाया, इतना शौचालय बनवाया, हम लोग पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, पार्टी का विरोध हम तब करते जब हम हर जगह चिल्ला रहे होते कि हमको दिक्कत है पार्टी से, हमें पार्टी से दिक्कत नहीं, पार्टी से हमें केवल प्रत्याशी से दिक्कत है। प्रत्याशी की एक घटना मैं आपको जनवरी की बताता हूँ, मठिया पे झगड़ा हुआ था, उसमें 2 लड़के वैभव सिंह नाम के थे, उसमें एक लड़का वैभव सिंह नाम का निर्दोष था, उससे झगड़ा हुआ कश्यपों का, कश्यप के लिए कीर्ति कश्यप सांसद जी की बेटी ने थाने फ़ोन करा, इंस्पेक्टर दूसरे जो जिसकी गलती नहीं थी उसे उठा लाई, जब हमने उसे फ़ोन यहाँ थाने किया छोड़ने के लिए तो कीर्ति हमसे फ़ोन पर कह रही हैं, इंस्पेक्टर साहब बात करा रहे हैं, तो कीर्ति ये कह रही आप जिसने हमारे भाई समाज के साथ मारपीट की उसे बंद कराइए, यानी कि मारपीट कोई करेगा तो हमने जिम्मेदारी ली है कि हम उसको पकड़ करके थाने ले जाएंगे, तब हम निर्दोष को छुड़वाएंगे, जिसने दोषी नहीं है आप उसे छोड़िए, जिस जो दोषी उसे पकड़वाइए। आप फर्जी भेदभाव किया गया, भेदभाव किया गया, आपकी सरकार में भेदभाव चल रहा है, ये सब बात है, ये गलत बात है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं, हमारा एक ही आपसे कहना है 4 जून 400 पार। भैया ये तो 400 पार भैया, पेट्रोल 400 पार, 400 पार सिमरा बोरी हवा में चलती है 400 पार, जब वीवीपैट से पर्चियां गायब हो जाएंगी तो 400 पार तो खुद ही ले आओगे।
400 पार जाएगा क्या? 400 पार नहीं जाने वाला, 400 पार डील जाएगा, 400 पार नहीं जाएगा। आंवला से धर्मेंद्र कश्यप हार चुके हैं चुनाव, इसीलिए उन्होंने पूरी दिल्ली के घुटने टुका दिए हैं यहाँ आंवला में। आप बगल की लोकसभा शाहजहांपुर में जाइए, वहाँ का प्रत्याशी क्यों नहीं मोदी जी की सभा करा रहा है? क्यों? उसने जनता के प्रति काम किया, इसलिए वो जीत रहा है। उसे किसी भी प्रत्याशी की और किसी भी बड़े राष्ट्रीय नेता की जरूरत नहीं है। बधाइयों में क्यों नहीं सभा हो रही है पार्टी की? क्यों? लोकसभा क्षेत्र के लोग जिनका अपने अपने मुद्दे हैं, अपने अपने तर्क हैं, आने वाली 7 मई को यहाँ पर चुनाव है। अब देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि इस बार चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा। नमस्कार। 4 दिन 400 पार।